रात में स्त्रियों को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, यह 11 काम मंडराने लगता है संकट। नंबर 1, रात को स्त्रियों को भूल से भी कपड़े धोने सुखाने नहीं चाहिए। नंबर 2, प्रिय दोस्तों, रात के समय स्त्री को अपने शरीर के बाल न तो काटने चाहिए और न कटे या सिर के टूटे बालों को फेंकना चाहिए। तांत्रिक या जादू टोना करने वाली औरतें इन बालों के माध्यम से परिवार को परेशान कर सकती है, आप खुद संकट में आ सकते हैं। नंबर 3, रात के बाद स्त्रियों को शमशान या कब्रिस्तान के आसपास से नहीं गुजरने चाहिए। तांत्रिक आते हैं, वहां आत्माएं भूत बनकर घूमती रहती है। स्त्री शरीर से ही नहीं दिल का भी कोमल होती है, बुरी प्रेत आत्मा उन्हें पकड़ सकती है या मार सकती है। नंबर 4, रात के समय एक संस्कारी स्त्री को चौक चौराहे पर नहीं जाने चाहिए। रात के समय चौक चौराहे पर बुरी औरतें अपने ग्राहक का इंतजार करती हैं और बूढ़े पुरुष भी अपने लिए बुरी औरत की तलाश में निकलते हैं। नंबर 5, कुछ औरतें रात में सोने से पहले बर्तन साफ कर लेती हैं और रात घर में झाड़ू भी लगा देती है, ऐसा नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना वास्तु दोष में आता है, वैसे भी शास्त्र के अनुसार झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। रात में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी उस घर का त्याग कर देती है। नंबर 6, रात के वक्त किसी भी स्त्री को तुलसी के पौधे को नहीं छूने चाहिए, लक्ष्मी जी नजरें फेर लेती है, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। रात के बाद औरत घर में अकेली है तो किसी पर पुरुष के होने पर घर के दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। नंबर 7, रात के समय स्त्रियों को नाखून नहीं काटने चाहिए। नंबर 8, रात के वक्त औरत घर में अकेली है तो किसी पर पुरुष के होने पर दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। नंबर 9, किसी नवयौवना स्त्री को अकेले घर के खुले छत पर नहीं सोने चाहिए। नंबर 10, स्त्रियों को कभी किसी से पैसे का लेन देन नहीं करने चाहिए, पैसे का लेन देन घर के पुरुष को ही करने देना चाहिए। नंबर 11, रात के समय औरतों को बाल में कंघी नहीं करनी चाहिए और न ही बाल खोल कर सोने चाहिए। प्रिय दोस्तों, ऊपर बताए गए सुझाव अगर आपको अच्छे लगे हों तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।